नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड की हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ एकता। मैं लेकर आई हूं बॉलीवुड की कुछ लेटेस्ट अपडेट। कॉमेडी की दुनिया के बेहतरीन कॉमेडियन कहे जाने वाले कपिल शर्मा आए दिन अपने दिलचस्प किस्से को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। दरअसल कपिल अपने शो में हर दिन ऐसे रोचक किस्से शेयर करते रहते हैं जिसे सुनने के बाद शायद ही कोई अपनी हंसी रोक पाता होगा। ऐसे में कपिल ने इस बार एक और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी शेयर कर दी है, लेकिन इस बार ये स्टोरी किसी सेलिब्रिटी की नहीं है बल्कि खुद कॉमेडियन की बेटी की अजीबोगरीब फरमाइश की है। दरअसल हाल ही में कपिल शर्मा ने लेटेस्ट एपिसोड में अपनी 3 साल की बेटी अनायरा के बारे में बातचीत करते हुए उनके शरारतों के बारे में बताया है। कॉमेडियन ने कहा है कि अभी मेरी बेटी महज 3 साल की है और उसे लगता है कि पूरी दुनिया टीवी के अंदर है और जो भी है सबकी एक दूसरे से पहचान है। जहाँ कपिल ये कहते दिखे कि एक दिन अनायरा ने कार्तिक आर्यन की डांस करते हुए वीडियो देखी और मेरे पास आकर बोली, पापा कार्तिक इज डांसिंग, वो मेरे घर पर क्यों नहीं आते। फिर जब मैंने ये बात कार्तिक को बताई तब कार्तिक आर्यन ने मुझे वीडियो कॉल किया और अनायरा से बात भी की। लेकिन कपिल की बेटी की डिमांड यही नहीं रुकी। इसके बाद अनायरा ने अपने पिता से जो फरमाइश की है उसे सुनने के बाद तो आपके भी होश उड़े जाएंगे। दरअसल कपिल शर्मा ने आगे बताया कि कार्तिक आर्यन से बात करने के बाद अब पेपा पिक से बात करने की अनायरा ने जिद पकड़ बैठी हुई थी। वहीं कॉमेडियन ने आगे कहा कि जब अनायरा अपने पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर से बात करने की जिद करने लगी तो उनकी पत्नी गिनी ने अपनी दोस्त से कहकर फ्रंटे वाइड से बात की और उनकी बात करवाई। लेकिन अब उसकी ये नई डिमांड ये है कि वीडियो कॉल पर उसे बात करना चाहती है। बता दें कि कपिल की बेटी महज 3 साल की है। कपिल ने साल 2018 में अपनी पति गिनी जतरत के साथ शादी रचाई थी। लेकिन इन सबसे हटकर आपको कपिल की बेटी कितनी क्यूट लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेल अभी की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं एकता त्रिपाठी पंजाब के केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।